हम आज आपको वर्ग क्या होता है, वर्गमूल क्या होता है, इसके बारे में सरल से सरल तरीके में बताएंगे, ठीक है। वैसे तो आज मेरा ऑनलाइन का पहला ही दिन है, हमारी ऑफलाइन क्लासेस चलती हैं, मैं बहुत दिन से टीचिंग कर रहा हूँ, मुझे 10 या 12 साल का एक्सपीरियंस हो चुका है, बट ऑनलाइन आज पहली क्लास रखता हूँ, हो सकता है थोड़ा झिझक हो, लेकिन कोशिश करूँगा अच्छे से अच्छे आपको मैं समझा सकूँ, ठीक है। देखो बेटा, वर्ग क्या होता है, जैसे वर्ग वर्ग किसी भी संख्या को हम दो बार गुणा करें, लेकिन संख्या वही होनी चाहिए। जैसे मान लो हमने ले लिया 7, 7 की पावर 2, हमें वर्ग का मतलब ही होता है जिसकी घात 2 हो, 2 का मतलब ही वर्ग होता है। अब हम उसी संख्या को 7 × 7 दो बार लिखा, 7 × 7 = 49, हमारा ये क्या है, वर्ग, 7 का वर्ग, ठीक, मतलब 7 का वर्ग, 7 का वर्ग मतलब 7 की घात 2, मतलब 7 × 7 = 49, इसको वर्ग बोलते हैं, घात 2 बोल सकते हैं, ठीक है। लेकिन अगर हम वर्गमूल की बात करें तो वर्गमूल का मतलब होता है जड़, मूल का मतलब होता है जड़। आखिर ये 49 हमको किस मूल संख्या से प्राप्त हुई है, तो हम इसको निकालने के लिए क्या करते हैं, लासा करते हैं, एलसीएम करते हैं, गुणनखंड भी बोल सकते हैं इसको, गुणनखंड 49 का करेंगे, ठीक है। तो ये संख्या 7 × 49, 7 × 7 मतलब 49 का गुणनखंड क्या हुआ, 7 × 7। अब मुझे पता चला वर्गमूल का निशान लगा के 49, अब दो दो के जोड़े बनते हैं, दो दो के जोड़े में से एक ले लिया जाता है, ये हमारा मूल हुआ, क्या हुआ, वर्गमूल, क्या हुआ, ये वर्गमूल हुआ। जब किसी संख्या के किस संख्या से प्राप्त हुई है वो संख्या का मूल निकालने के लिए दो दो के जोड़े बनाते हैं, दो दो के जोड़े से हम एक लेते हैं, उसे बोलते हैं वर्गमूल। अब इसी तरह हम कक्षा 8 की आज एक्सरसाइज 2A पढ़ाता हूं, वैसे तो मैं 8 क्लास का वर्गमूल पूरा चैप्टर आज ही क्लियर करूंगा इसी वीडियो में, ठीक है, बट पूरे सवाल नहीं हो पाएंगे, लेकिन हर एक्सरसाइज से 2-4 सवाल कराऊंगा जिससे वो पूरी एक्सरसाइज की जा सकती है। अब वो बोल रहा है, जैसे हम विषम संख्या ले लिया, अब वो बोल रहा विषम संख्या के 1 से 15 तक विषम संख्या का वर्गमूल निकालो, 1 से 15 तक की विषम संख्या, विषम का मतलब भी आप जानते हो संख्या का वर्ग, हमें वर्ग निकालना है। अब विषम आपको पता है कि जो हमारी संख्याएं 2 से नहीं कटती हैं वो विषम संख्या कहलाती है, चाहे कोई भी संख्या हो, अगर वो विषम संख्या है तो 2 के पहाड़े से नहीं कटती। यहां भाज्य और अभाज्य 2 अलग अलग बातें हैं, लेकिन सम और विषम 2 अलग अलग बातें हैं, ठीक है। ये नहीं कि हम अभाज्य संख्या को ले लें और उसे विषम, उसे विषम तो बोला जा सकता है, लेकिन कुछ अभाज्य कुछ विषम संख्याएं कटती हैं, इसलिए हम देखो 1 से 15 के बीच की विषम संख्याएं क्या क्या होती हैं। तो विषम संख्या, विषम संख्या जैसे विषम संख्या हमारी 3 हुई, 5 हुई, 7 हुई, 9 हुई, जैसे ये देखो ये विषम है लेकिन अभाज्य नहीं है, क्योंकि ये 3 के पहाड़े में आता है, ठीक। अभाज्य का मतलब वो किसी के पहाड़े से न कटना, स्वयं से कटना, ठीक है बेटा। हम आपको ये नहीं वर्गमूल पढ़ा रहे, तो सिर्फ वर्गमूल की ही बातें बताएं, कुछ अलग से भी बातें बताते रहेंगे, ठीक है। 9, 11 है और 13, 13 के बाद डायरेक्ट 15 आता है। अब इनके वर्ग क्या,
इनके वर्ग, इनके वर्ग क्या हुए, जैसे कि 3 की घात 2 मतलब 3 × 3 = 9, 5 की घात 2 = 5 × 5 = 25। इसी प्रकार हमको सब निकालने, 7 की घात 2 7 × 7 = 49। ठीक, उसके बाद क्या है, 9 की पावर 2, इसको पावर बोलते हैं। लेकिन ये याद रखना, पावर को हम इस तरह नहीं लिखेंगे कि 7 की पावर 2, गलत माना जाएगा। हम राइट कॉर्नर पे छोटा सा लिखते हैं, ठीक है। और जैसे 9 × 9 क्या हुआ, 81। आप लोग कम से कम 25 तक वर्ग याद कर लीजिए 1 से लगा के, क्योंकि ये आपको सवाल लगाने में आराम देंगे। आपको डायरेक्ट पता होगा कि ये किसके पहाड़े से कटेगा, क्या इसकी वैल्यू होगी, हमें पता है, ठीक है। और 11 का 11 × 11 121, ठीक है। 13 का, अब मैं इतनी जल्दी क्यों बता रहा हूं, क्योंकि मुझे पता है 13 का 13 × 13 169। ओके, ये हमारे 1 से 15 तक की विषम संख्याओं के वर्ग हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अब हम आपको प्लस माइनस के बारे में बताते हैं। अच्छा, एक तरीका होता है, जैसे कि हमको किसी की संख्या के ऊपर दे दिया 56 की पावर 2, इसका मतलब क्या हो गया, मतलब 56 × 56, ठीक, 56। अब इसको हम कहीं रफ में मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 56 × 56, 6 × 6 = 36, 6 × 5 = 30, मतलब 6×4 = 36, 6×5 = 30, 33, फिर इसको 5×36, 5×25 = 28, 6×3 = 8, 3×11 = 2, 1×3 = 31, 3136 कितना है, 3136। हम इसको सर्वसमिका के तरीके से भी लगा सकते हैं, उसको भी हम तरीका आपको बता रहे हैं। 3136 आया, अब हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, जो सूत्र होता है, कौन सा आप सूत्र पढ़े होंगे, a + b² होल स्क्वायर और प्लस 2ab + b², ठीक। तो हम इसको 5 ऐसे भी सॉल्व कर सकते हैं, 50 का पावर 2 + 2 × a हमारा क्या है, 50 है, b हमारा 6 है, ठीक है, इंटू b हमारा 6 की पावर 6, ठीक, सॉरी यहां प्लस होगा, ठीक। अब आपको इतना पता होना चाहिए कि जितनी पावर होती है, अगर हमारा यहाँ पर 0 है तो हम इस संख्या की पावर समझ लेते हैं। एक मोटा सा तरीका लगाते हैं, 5 × 25, ठीक। जब हमने 2 बार गुणा किया है तो इसका मतलब 0 भी 2 बार आएगा, बस इसका छोटा सा तरीका होता है सॉल्व करने का, ठीक है। ये नहीं कि आप 50 × 50 2 बार घंटा भर गुणा करें, 5 × 5 = 25, 5×25 मतलब 5 × 5 = 25, 0 है तो 2 0 आगे बढ़ा दीजिए, ठीक है। अब मुझे पता चल गया, यहां से आपको वर्ग भी, मतलब वर्ग ही निकाल दिया मैंने, ठीक है। उसके बाद प्लस इसका 50 × 100, 100 का 6 में गुणा होगा, 600 आएगा, ठीक, इधर आएगा 36, तो आपको पता हो गया 25 × 6 कितना होता है, 3100, 3100 में 36 जोड़ेंगे, 3136। हमको इसमें गुणा उड़ा करने में बहुत परेशानी नहीं हुई है, आपको इसको हम वर्गमूल सर्वसमिका की विधि से भी बोल सकते हैं, किसके विधि से बोल सकते हैं, सर्वसमिका की विधि, ठीक है। अब हम आपको आगे बढ़ाते हैं, जैसे कि -5 का वर्ग निकालो, वर्ग बताइए, ठीक है। अब हमने क्या किया, किसी संख्या का वर्ग निकालना है तो -5 की घात 2 करेंगे। अब इसको आपको पता भी हो गया होगा
कि माइनस का दो बार मल्टीप्लाई हो जाएगा, माइनस पांच गुणे माइनस पांच। अब हम इसको क्या करेंगे, पचम पच्चीस क्या हुआ, अगर हम किसी अगर जोड़े में हमारा माइनस होता है, किसमें होता है, जोड़े में अगर हमारा माइनस होता है तो हमेशा आंसर हमारा प्लस में आता है, इतना याद रखना, हमारा ये प्लस का 25 आएगा, ठीक है। इसमें माइनस के जोड़े बनने, अगर पेयर से माइनस के बने तो ये समझ लेना हमेशा आंसर प्लस में आएगा, ठीक है। उसके बाद हम दूसरी एक चीज पढ़ाते हैं, वर्ग आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। हम आपको बेटा बताते हैं, अब इसके आगे ये तो बहुत छोटे छोटे सवाल थे, स्टेप बाय स्टेप अब थोड़ा बड़ा करेंगे। अब हम आपको बता रहे हैं गुणनखंड से वर्गमूल ज्ञात कीजिए, गुणन खंड विधि से वर्ग मूल ज्ञात कीजिए, ठीक। अब क्या हुआ, पहला सवाल मान लो हम लेते हैं 77-44, ठीक है, दो सवाल बता देंगे इसी में आप लोग समझना, ठीक है। दूसरा सवाल हम ले लिया 49, ठीक है। अब हम क्या करते हैं बेटा, देखो पहले सॉल्व करते हैं ये वाला 77-44। आप लोगों को ये याद रखना चाहिए, जिसकी इकाई पे 0, 2, 4, 6, 8, ठीक, ये संख्याएं हो वो हमेशा दो से कटती हैं, किससे कटती हैं, दो से कटती हैं। लेकिन और ये भी नहीं कि मैं डायरेक्ट किसी बड़ी संख्या से, गुणनखंड का मतलब होता है छोटे छोटे खंडों में करना, ठीक है, अबाध खंडों में करना, उससे ही गुणनखंड बोलते हैं। अब मुझे पता है कि ये दो से कटेगा क्योंकि इसके इकाई पे क्या है, चार है, तो 2 × 6 = 1 इधर आया 17 हो गया, 2 × 8 = 16, फिर 1 बच गया 14 हो गया, 2 × 7 = 14, 2 × 2 = 4। उसके बाद क्या करते हैं, 2 × 9 = 2, 1 = 18 हो गया, 2 × 9 = 18, फिर 2 × 6 = 2 × 12, ठीक है। फिर देखते हैं 2, 6 आ रहा इकाई पे, इसका मतलब 2 से ही कटेगा, 2 × 9 = 18, 2 × 6 = 12, 2 × 8 = 16, 2 × 6 = 8 है ना इकाई पे, इसलिए 2 से फिर कटेगा ये, 2 × 8 = 8, 1 = 2 × 8 = 16, 2 × 8 = 8, 2 × 2 = 4, 2 × 8 = 8, 2 × 2 = 4, 2 × 9 = 2, 2 × 2 = 4, 2 × 9 = 2। अभी आपको मैं ये बोला था ना कि 1 से लगा के 25 तक सभी वर्ग ज्ञात कर लीजिए, वो आप स्टडी कर लीजिए, संख्याओं को लिख के फिर याद कर लीजिए। रीजन क्या है, देखो मुझे 121 संख्या मिली, अगर हमें पता होता है तो मुझे डायरेक्ट 2 मिनट लगता कि ये 11 का गुणनखंड, ठीक है, 11 × 9 = 11, 1 बचा 11 × 9 = 11, 11 × 9 = 11। क्या हुआ, अब ये देखिए हमारा निकल गया, गुणनखंड हो गया। अब हम इसको कहते हैं कि ये 77-44 का गुणनखंड है, कितने बार 2 है, 2 × 2 = 4, 2 × 6 = 6 बार 2 है, ग्यारह। अब इसको 77-44 का वर्गमूल मुझे बताना है, क्या बताना है, तो इस पे वर्गमूल का निशान लगा देते हैं और 2-2 के जोड़े बना लेते हैं, किसके जोड़े बना लेते हैं, 2-2 के। अब हम ये पता करेंगे ये किस संख्या का वर्गमूल है, ठीक है। तो हमको पता चला 2 एक जोड़े से लिया, फिर दूसरे जोड़े से 2 लिया, फिर तीसरे जोड़े से 2 लिया, फिर अगले जोड़े से 1 2 लिया। अब हम सबको गुणा कर लेते हैं, क्या है, 2 × 4 × 8, 8 को फिर 11 से करेंगे, 11 × 8 = 88, तो ये तुम्हारा 77-44 का वर्गमूल क्या निकल के आया, 88, ठीक, प्लस माइनस। वर्गमूल हमेशा प्लस माइनस में होता है क्योंकि हम माइनस की संख्या को गुणा कर 2 बार करते हैं तो वो भी प्लस में आता है, इसलिए हमेशा वर्गमूल प्लस माइनस में आंसर लिखा जाता है। शायद बेटा ये जो नीचे हमने लिखा है वो कैमरे में आ नहीं पाया है सही से, मैं ऊपर लिखे दे रहा हूँ 77-44,
ठीक है, इसको ऐसे हर जोड़े का मैंने एक एक लिया है, ठीक है, तीन बार दो आया क्योंकि इसके छह हैं, दो 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 के जोड़े से एक एक लेते हैं वर्गमूल निकालने के लिए, ये 11 हुआ बस वर्गमूल। इसका हमने गुणा किया, दो दुना चार, चार दुनी आठ, आठ को 11 से गुणा करेंगे, 11 अठे 88, ठीक है। अब हम अगला सवाल बताते हैं आपको बेटा, ठीक है, अगला सवाल बताते हैं। सेकेंड सवाल लिया मैंने 4900, ठीक है, इसको भी सॉल्व करते हैं। दो दुना चार, जितनी बार जाता है वो नीचे लिखते जाते हैं, दो चक्को आठ, एक बचा दो पंची दस, जीरो बढ़ाया, दो इकन्नम दो, दो दुना चार, दो दुना चार, दो पंची दस, दो छंग बारह, दो इकन, सॉरी ये दो से नहीं कटेगा क्योंकि मैंने ध्यान नहीं दिया, ये पांच है इकाई पे, अगर इकाई पे पांच है या एक है या तीन है या नौ है तो हम तीन के पहाड़े से करके देख लेते हैं। तीन के पहाड़े से करने का तरीका एक ये भी होता है कि हम आपस में संख्याओं को जोड़ लें, अगर तीन के पहाड़े से भाग जा रहा पूरा पूरा संख्या कट रही है तो वो तीन के पहाड़े से कट जाएगी संख्या, तो हम आपस में जोड़ते हैं, पांच दूनी पांच दो सात, सात दो नौ, नौ एक दस, ठीक, तो ये तीन के पहाड़े से दस नहीं आता, ये तीन से नहीं कटेगा, तो 100% किससे कटेगा, आपको पता है ये किनारे क्या लिखे है, पांच, 100% ये पांच से कट जाएगा, इसमें कोई डाउट नहीं है। पांच दूनी दस, दो बचा पांच चौको बीस, दो बचा पचम पच्चीस, फिर ये पांच से कटेगा, पांच चौको बीस और पांच नौ पैतालीस, आपको तो 49 पता होगा किसका वर्ग होता है, 49 तो सात का होता है, तो इसलिए सात से कटेगा, सात सत्य 49, सात गन्नम सात। अब हमें पता है कि 4900 का वर्गमूल, पहले तो हम उसके गुणनखंड लिखेंगे, दो गुणे पांच गुणे पांच गुणे सात, ठीक है। अब हम 4900 का वर्गमूल निकालेंगे, वर्गमूल का निशान लगाते हैं, दो दो के जोड़े बना देते हैं ऊपर और एक एक लेते जाते हैं, ठीक है, आपको पता हो गया होगा, दो पंची दस, दस सत सत्तर, ये क्या है हमारा 4900 का वर्गमूल है, प्लस माइनस, यही हमारा क्या हो गया आंसर हो गया, वर्गमूल का आंसर यही होता है। अब हम आपको एक सवाल ले रहे हैं, ठीक है, वो आपको बताते हैं, वहां से हम बहुत सारी पहचाने आपको बता देंगे, ठीक है, बहुत सारी पहचाने बताएंगे आपको। हाँ तो बेटा आपको पहचान बताने के लिए मैंने बोला है, एक बाग में आम के 2304 पेड़ हैं, प्रत्येक पंक्ति में उतने ही पेड़ हैं जितनी की बाग में पंक्तियां, बाग में कुल कितनी पंक्तियां, जहां पर उतने इतने जितने सब वर्ड प्रयोग हो जाए वहां पर ये समझ लेना वर्गमूल का सवाल है, ये इतना याद रखना। जैसे कि एक पहचान होती है, जैसे कि कम से कम जहां शब्द हो वहां पर लासा होता है, लघुत्तम समापवर्तक होता है, जहां पर अधिक से अधिक की बात हो वहां पर महत्तम समापवर्तक होता है, ये सब पहचान होती है। यहां पर क्या बोल रहा है, उतने और जितनी, ये शब्द बोल रहा है, इसका मतलब ये, इसका हम वर्गमूल निकालेंगे, अभी पंक्तियां सब पता चल जाएंगी कितनी है, तो हम क्या करते हैं 2304 का क्या निकलते हैं गुणनखंड, पहले क्या करते हैं गुणनखंड करते हैं, फिर 2300 के हम छोटे छोटे गुणनखंड कर देते हैं, उसके बाद हम इसका वर्गमूल निकालते हैं, वही हमारी पंक्तियां होंगी, क्योंकि एक पंक्ति में बहुत सारे पेड़ लगे होंगे, हमें पेड़ों की संख्या नहीं बतानी है, हमें पेड़ों की संख्या बतानी होती तो जो हमारा वर्गमूल निकल के आएगा भी उसी संख्या से दो बार गुणा कर दे तो अभी पेड़ों की संख्या पता चल जाएगी, ठीक है, तो पेड़ों की संख्या तो हमें पहले से पता है, तो पेड़ों की संख्या नहीं निकाल ली है, अगर आपको डाउट हो तो उसी संख्या को दो बार गुणा कर देना, डाउट क्लियर हो जाएगा, मतलब हमें वर्गमूल जो आए वो हमारी जो पंक्तियां नहीं बनी है
उसकी संख्या भी मैं निकाल रहा हूँ। अगर आपको तरीका गलत ना हो इसको चेक करने के लिए, आप उसी संख्या को दो बार गुणा करिए, अभी वो पेड़ों की संख्या आपको बता देगा। तो ये याद रखिए, कभी पंक्तियां दिया हो तो वर्गमूल जो दिया होता है वर्ग, तो उसका वर्गमूल दो बार गुणा करते हैं तो पेड़ों की संख्या आ जाती है। ठीक है, यहाँ पर हमको पेड़ों की संख्या नहीं, पंक्तियां बतानी है, क्योंकि एक पंक्ति में बहुत सारे पेड़ होंगे। अब यहां पर क्या करते हैं, वर्गमूल निकालते हैं। दो इकन्नम दो, दो इकन्नम दो, एक बच्चा, दो पंची दस, दो दुना चार, दो पंची दस, एक बचा, दो सत्य चौदह, दो छंग बारह, दो दुना चार, दो अट्ठे सोलह, दो अट्ठे सोलह, दो इकन्नम दो, दो चक्को आठ, दो चक्को आठ, दो सत्य चौदह, दो दुना चार, दो सत्य चौदह, दो दुना चार, उसके बाद दो तेईस छः, दो छंग बारह, दो इकन्नम दो, दो अट्ठे सोलह, ये तो सभी दो से ही कट रही है संख्या। आपको याद है ना मैंने क्या ट्रिक बताई है, कि जिसके इकाई पर जीरो दो चार छः आठ हो वो हमेशा संख्या दो से विभाजित होता है। क्या होता है, विभाजित होता है। ठीक, इतना याद रखना। दो नए अठारह, तीन त्रक्का नौ, तीन इकन्नम तीन। अब आपको बता दूं, साइड में लिख रहा हूं क्योंकि नीचे जगह नहीं है। अब मेरा 2304 का क्या खंड हुआ, एक दो तीन चार पांच छ सात आठ, आठ बार मेरा दो है। ठीक है, अब तीन दो बार आया है। ठीक, अब हम वर्गमूल में क्या करते हैं, निकालते हैं वर्गमूल, इसका निशान लगाते हैं, दो दो के जोड़े बनाते हैं। ठीक है, दो दुन्ना चार, दुन्नी आठ, दुन्नी सोलह, अड़तालीस। हमारा क्या आया, दो दुन्ना चार, चार दुन्नी आठ, आठ दुन्नी सोलह, सोलह ते अड़तालीस। हमारे कितनी है, अड़तालीस पंक्तियां हैं पेड़ों की। क्या है, अड़तालीस पंक्तियां हैं। एक पंक्ति में कितने पौधे लगे हैं, एक पंक्ति में देखा जाए तो अड़तालीस पौधे लगे हैं। इसमें पूछा क्या है, पंक्तियां ही पूछा है। ठीक है, अब हम अगला सवाल बताते हैं आपको। अब हम अगला सवाल आपको बताते हैं, वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिससे 1890 में गुणा करने पर गुणनफल पूर्ण वर्ग हो जाए। ऐसे भी सवाल होते हैं कि हमें भाग देने पर पूर्ण गुणन वर्ग प्राप्त हो जाए, गुणा करने पर पूर्ण वर्ग प्राप्त हो जाए, तो हम ऐसे सवालों को क्या करते हैं, ऐसे सवाल को भी गुणनखंड विधि से सॉल्व करते हैं। जैसे कि हम 1890 का क्या करेंगे, पहले तो हम उसके गुणनखंड करेंगे, फैक्टर्स करेंगे 1890। ठीक है, इसको दो ही से कटेगा, ये भी दो नहीं अठारह, दो चक्को आठ, दो पंची दस। अब आपको पता है कि या तो ये तीन से कटेगा या तो ये पांच से कटेगा, तो पांच चार नौ, नौ नौ अठारह, तीन छह अठारह, इसका मतलब ये तीन से कट जाएगा, क्योंकि हमने क्या बताया था, संख्याओं को आपस में जोड़ दीजिए और तीन के पहाड़े से भाग दीजिए, अगर वो तीन के पहाड़े से आता है तो इसका मतलब वो संख्या कट जाएगी। अब यहां देखते हैं, तीन त्रक्का नौ, ठीक, तीन कन्नम तीन, तीन पच्चे पंद्रह, तीन कन्नम तीन, एक में नहीं जाएगा। अब क्या करते हैं, शुरुआत में तो चाहे जितनी भी संख्या ले लें, बट बीच में हम दो संख्याएं नहीं ले सकते एक बार में, तो हम ले सकते हैं क्या करके, जीरो खिला के। अब तीन पच्चे पंद्रह, फिर तीन के पहाड़े से जाएगा, तीन त्रक्का नौ, तीन पच्चे पंद्रह। अब ये किससे जाएगा, पांच से जाएगा, क्योंकि तीन के पहाड़े में ये तो जाएगा, ये नहीं जाएगा, पांच सत्ते पैंतीस, सात करना सात। अब इसमें बहुत सारी संख्याओं के जोड़े नहीं बने, और जिसका जोड़ा नहीं बनता बस वही गुणा करने पर पूर्ण गुणनफल बन जाए। अब देखते हैं किसका, 1890 का गुणनखंड क्या, दो गुणे दो तीन गुणे तीन गुणे तीन गुणे पांच गुणे सात। अब इसमें बेटा सिर्फ तीन का बना है गुणा, सिर्फ क्या बना है, तीन का बना हमारा, तो
जिसके जिसके नहीं बने हैं उसको बाहर निकालो, 2 × 3 × 5 × 7 इसका मतलब क्या हुआ, 2 × 3 = 6, 6 × 5 = 30 और 23 को 7 से गुणा कर दो, 7 × 0 = 7 = 21 ठीक, 210 क्या आया, 210। तो इसका आंसर यही होगा, हम 2 से 10 से गुणा कर दें तो गुणनफल फल पूर्ण वर्ग हो जाएगा, हो जाएगा। ओके, अगर हम इसको 2 से 10 से गुणा कर दें तो ये पूर्ण वर्ग बन जाएगा, क्योंकि इसमें 2 से 10 क्योंकि इसका जोड़ा नहीं बनना है, ना इसका जोड़ा बना, ना इसका जोड़ा बना, ना इसका जोड़ा बना, हम इस सबको बाहर निकाल लेते हैं और इन सब का गुणा क्या आया है, 210। इसका मतलब इसमें 210 से 1890 को गुणा कर दोगे तो वो गुणनफल पूर्ण वर्ग बन जाएगा। ओके, देखो बेटा अभी आपको गुणा करने के लिए बताया था, अब लेकिन भाग करने के लिए बोल रहा है, वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिससे 9408 में भाग देने से भागफल पूर्ण वर्ग बन जाए। मतलब देखो यहां पर हम कौन सी संख्या निकाले जिससे इस संख्या को हम भाग कर दें वो पूर्ण वर्ग बन जाए, क्योंकि ये पूर्ण वर्ग नहीं है, ये किसी की पावर का गुणनफल नहीं है, इसलिए 9408 का हम आपको वर्गमूल बताएंगे, भाग 2 × 8 एक बचा, 2 × 7 = 14, 0 × 2 = 8, 2 × 2 = 4, 2 × 3 = 6, 2 × 5 = 10, 2 × 2 = 4, 2 × 1 = 2, 2 × 1 = 2, 2 × 7 = 14, 2 × 6 = 12, 2 × 5 = 10, 2 × 8 = 16, 2 × 8 = 16, 2 × 2 = 4, 2 × 9 = 18 और 2 × 2 = 8, 2 × 1 = 2, 2 × 8 = 2, 2 × 7 = 14, अब यहाँ 3 से जाएगा, 3 × 12, 3 × 9 = 27, 7 × 7 = 49, 7 × 7 = 7। यहां पर देखो जोड़े सबके बन रहे हैं लेकिन इस 3 का जोड़ा नहीं बना है, इसलिए आंसर क्या हो गया, 3। अगर हम इस संख्या को 3 से भाग दे दे तो पूर्ण वर्ग बन जाएगा, निकाल के दिखा रहे हैं, 3 से इसको भाग दे दो, वैसे देना नहीं है आप लोगों को, समझाने के लिए कर रहे हैं, 3 × 9 कट गया, 3 × 3 = 3, 1 बचा, 3 × 9 = 9, 1 बचा, 3 × 6 = 18, अब ये पूरा पूर्ण वर्ग आ गया, 31 = 36, किसी ना किसी का ये होगा, शायद 56 का होता है, 36 ठीक है, ये समझ में आपको आया। ओके, एक सवाल हम आपको बताएंगे भिन्न का, जो अंश बटे हर होता है उसका आप लोगों को वर्गमूल कैसे निकालना है, 1296, अब वैसे ही निकालना है बस, 625 है इसको निकाल लीजिए, 5 × 5 = 5, अब अभी हम आपको याद करा रहे थे 625 25 का स्क्वायर होता है, अभी देखना 25 ही आएगा, ठीक है, तो 5 × 5 = 10, 5 × 25 = 25, पाँच दूनी दस, पचम पच्चीस, 5 × 5 = 5, इसका निकालते 1296 का, ये कहाँ से कटेगा, 2 से, 2 × 6 = 12, 2 × 8 = 8, 2 × 8 = 16, 2 × 3 = 6, 2 × 2 = 4, 2 × 8 = 8, सॉरी कॉमन नहीं लगेगा, 2 × 1 = 2, 2 × 6 = 12, 2 × 2 = 4, 2 × 8 = 16, 2 × 9 = 2, 81 आपको बताया, 8 × 9 3 के पकड़े से इसका मतलब कट जाएगा, 3 × 2 = 6, 3 × 7 = 21, 3 × 9 =
27, 3 त्रिका 9, 3 निकलना 3। अब इसमें देखिए दो दो के जोड़े सब बनना है, किसके जोड़े बनना है तो हम क्या करते हैं 625 बटे 1296, इसका हम ऊपर नीचे गुणनखंड निकाल लेते हैं। ऊपर क्या बनेगा 625 के 5 गुड़े 5 गुड़े 5 गुड़े 5, इसका कितनी बार 2 दो 4, 4 बार 2 है, 4 बार 3 है। आप वर्गमूल में क्या करते हैं जोड़े मत से, दो दो के जोड़े मत से बाहर कर लेते हैं। 625 बटे 1296 का वर्गमूल का निशान लगाया, एक एक जोड़ा ले लेते हैं, इससे एक एक जोड़े से एक एक निकाल लेंगे, इससे दो, इससे दो, इससे तीन, इससे तीन, कितना आया 25, 3 2 2 दूना 4 3 12 3 36, किसका है इसका वर्गमूल 25 बटे 36 होगा। वर्गमूल निकालने के लिए ऐसे सैंपल जरूर लगाते हैं, ठीक है वर्गमूल। अब आपको भाग विष से वर्गमूल कैसे निकाला जाता है, आसान होता है अगर आप प्रैक्टिस करेंगे तो आ जाएगा। एक मिनट, अगर आपको समझ ना आए तो कमेंट में डालते रहना, क्वेश्चन भी डाल देना, हम आपको बताते रहेंगे, ठीक है कोई दिक्कत नहीं है। कैसा वर्गमूल का सवाल हो, दो मिनट में ट्रिक बताऊंगा सॉल्व करने की। अब यहाँ भाग विष से वर्गमूल हम करेंगे, हमने क्या किया 44 और 89 लिखा। अब आपको वर्गमूल में सबसे पहले क्या करते हैं, हम भाग विष में क्या करते हैं इधर की तरफ से दो दो के जोड़े बनाते हैं, ठीक है इधर की तरफ से दो दो के जोड़े बनाते हैं। अगर लास्ट में सिंगल संख्या बचती है तो उसको सिंगल पे से ऊपर लगाते हैं, क्योंकि जोड़ा बनाना बहुत जरूरी है भाग विध वाले में। अब हम यहां पर ऐसी संख्या लेंगे, वही संख्या हम यहां पर भी लिखेंगे, इन दोनों का गुणा करने पर इससे कम भले ही हो जाए बट इससे ज्यादा नहीं होना चाहिए। तो हम देखते हैं 25 पांच पांच ले लेते हैं तो 36, ये भी दे, इसके बाद वाली 7 7 49 ज्यादा हो रही है ना, तो इसका मतलब हम 7 नहीं लेंगे, कौन सी संख्या लेंगे 6 लेंगे, ठीक 6 ले लिया। समझ में आ रहा होगा मेरी समझ से, क्योंकि ऐसी संख्या यहां पर लेंगे वही संख्या यहां पर लेंगे, इन दोनों का गुणनफल इससे ज्यादा ना हो और इससे कम रहे, लेकिन इतना भी कम ना लें कि एक स्टेप बाद गुणा किसी संख्या का चला जाए, इतना भी कम ना लें, इसके बाद कोई गुणा नहीं जाएगा, क्योंकि 7 लेंगे तो 49 आ रहा, यहां पर संख्या हमें 44 दी है तो 36। अब यहां पर हम घटाना कर लेते हैं, 14 में से 6 गया 8 बचा, यहां 3 में 3 गया कुछ नहीं बचा, उतार हमेशा उतारते एक संख्या नहीं है, इसमें भाग विध वाले में हमेशा पूरा जोड़ा उतारते हैं 89, ठीक। अब यह वही संख्या जो ऊपर लिखा यहां पर लाके इसको जोड़ देते हैं, कितना हुआ 6 6 12 हुआ। अब हमको एक ट्रिक्स होती है बेटा, मतलब आपको समझाने के लिए सिर्फ बता रहा हूं, ना कि इसको मतलब कह दो कि सर आया नहीं आंसर, ऐसा नहीं, हम एक अनुमानित संख्या बताएंगे कि जैसे 12 7 84 किनारे वाली संख्या में, मेरा दिमाग थोड़ा गया वहां तक उसके करीब तक, हम किनारे वाली संख्या पे नजर डाला 9 दिखा मुझे, हमने सोचा 12 7 84 हाँ, क्योंकि अगर जो संख्या यहां लिखेंगे वही संख्या यहां लिखेंगे तो गुणा करने पर इससे ज्यादा ना भले ही कम हो जाए, तो एक अनुमानित अगर हम 7 यहां दोनों संख्याओं में लिखते हैं अगर इससे ज्यादा बाय चांस होता है तो उससे फिर एक क्रम घटेंगे। तो यहां पर हम देखते हैं कि 7 7 49 भी हो रहा है, मुझे 9 भी प्राप्त हो रहा है, इसका मतलब पक्का है कि 7 से ये पूरा डिविजिबल होगा, ठीक है। यहां पर 7 लेते हैं, यहां पर भी वही संख्या, अब इस संख्या से इन तीनों संख्या में क्या करते हैं हम गुणा करते हैं, 7 7 49 हासिल कितना आया 4, 7 2 14 4 18, 7 करना 7 1 8,
पूरा कट गया, इसका मतलब आंसर वर्गमूल प्लस माइनस 67, यह राइट। ठीक है, इससे समझ में आया। अब हम आपको दूसरा सवाल बता रहे हैं, ठीक है बेटा, दूसरा सवाल बता रहे हैं। इसको क्या करते हैं, 12 34 321 जोड़ा बनाते हैं। मैंने देखा एक सिंगल बचा, क्या बचा, एक सिंगल बचा। तो अब हम ऐसे संख्या लेंगे कि एक से ना अधिक हो ना ही कम हो। तो हम एक लेते हैं यहां पर, एक गन्ना एक। अब यहां पूरा जोड़ा उतारते हैं, एक एक दो, ठीक, ये वाला एक आके यहां जुड़ गया। अब ऐसी संख्या ले यहां, इससे ज्यादा ना हो भले ही कम हो जाए। अगर दो ले लेंगे तो इससे ज्यादा नहीं हो जाएगा, क्योंकि जो उसी संख्या से गुणा करते हैं ना। तो हम ये 23 है, यहां एक लिख देते 21 हो जाएगा, तो हम एक ही ले लेते हैं यहां, 21 आया, ठीक, दो बचा। फिर पूरा जोड़ा उतारते हैं, एक एक दो, दो यहां आया, ठीक। अब यहां पर क्या देखते हैं, 22 है यहां 24 है, तो इसका मतलब इसमें भी एक ही लिया जाएगा बेटा। अरे वाह, ये सवाल तो बहुत अच्छा है। 221 लिख दीजिए, यहां दो यहां दो, अब एक इसमें भी प्लस हो जाएगा, ठीक, एक एक दो, दो तार। यहां देखा 22, यहां 22, इसका मतलब यहां भी एक उतार लिया जाएगा, और पहले ये जोड़ा उतारेंगे। तो देखा 2221, 2221, एक यहां उतारा एक यहां उतारा, दोनों 2221 आ गए। इसका मतलब सवाल का आंसर क्या होगा, प्लस माइनस वर्गमूल हमारा क्या होगा, 1111। ओके राइट, बस हमारी समझ से मैंने कोशिश तो पूरी की है कि भाग विद वाला आपको समझ में आ जाए। इसी तरह जब मान लो कोई दशमलव रखा हो, मान लो इस जोड़े के बाहर रखा हो, तो हमने आंसर में एक पेयर सॉल्व किया, उसके बाद पॉइंट लगा दे। अच्छा बेटा, कभी कभी ये भी होता है कि मतलब यहां पर दशमलव लगा हो, तो ये जोड़ा हमारा इधर वाली संख्या में जा रहा है, इसका मतलब दो अंक बार लग, सॉरी वहीं पर लगेगा, क्योंकि दूसरी दशमलव में जा रही है संख्या, इसलिए लगेगा एक ही संख्या। मैंने बताया है आपको, ठीक है, कि दशमलव वाला भी ऐसे ही सॉल्व किया जाता है। हाँ देखो बेटा, वह छोटी से छोटी प्राकृतिक संख्या ज्ञात कीजिए जिससे 4931 में जोड़ दें तो योगफल पूर्ण वर्ग बन जाए। अब इसमें हमको कौन सी संख्या है जो इसमें जोड़ना है, अब जोड़ने के लिए हम इसको वर्गमूल को भाग विद द्वारा लगा के आपको बता रहे हैं। जैसे 4931, अब इसमें आपको पता है जोड़ा बना लेना है हमको, ठीक। अब यहां हम ऐसी संख्या लिखेंगे कि इसका इसका गुणा करने पर इससे ज्यादा ना हो भले ही कम हो जाए, तो 7 × 7 49। अब हम यहां 31 उतारते हैं, फिर ये 7 यहां लाके जोड़ देते हैं, 7 × 7 = 14। अब बेटा यहां अगर हम कोई भी संख्या लिखे तो इससे ज्यादा हो जाएगी, तो आपको याद रखना है जहां पर ये बात बोले जोड़ दे, ये बात आपको बोले जोड़ दे, तो हमें नीचे की संख्या उससे एक स्टेप अधिक ले आना है, और अगर घटाना यहां बोल दे तो एक नीचे का ऊपर वाली संख्या से कम होगी वैल्यू। इसलिए बेटा यहां पर हम एक लिखते हैं, और जब एक लिखा तो हो गया 141। अब यहां हम इसको 141 को ऊपर लिखते हैं और 31 घटाते हैं, तो क्या बचा आपका 110। तो आपको पता चल गया होगा 110 माइनस का बचा, ठीक। इसका मतलब 110 हम अगर जोड़ दें, 110 अगर हम जोड़ दें इस संख्या में, तो हमारा किसका वर्ग पूरा बन जाएगा, 71 का। किसका बन जाएगा, 71 का। इसलिए आंसर हमारा इसका 110 आएगा। ओके, अगर यहां पर घटाने की बात, मान लो हम संख्या एक चेंज करते हैं, यहां पर 18265 करते हैं, कितना 18265 करते हैं,
और जहां जोड़ दे लिखा है वहां एक मिनट, अठारह या 265 में हम घटा दें तो शेषफल पूर्ण वर्ग बन जाए। तो अब हम इसको भी भाग विषय आपको लगाते हैं, दोनों क्वेश्चन आपको हम जोड़ दें में नीचे का ज्यादा लाना है और घटाने वाले पर हमारा ऊपर का ज्यादा होना चाहिए। 18,265 दो दो के जोड़े बनाइए आप, ठीक है बेटा। अब यहां वन लिखेंगे, वन लिखा नीचे कट्टम, एक का पहला एक बार पढ़ेंगे एक ही आएगा, और दो दो के जोड़ बनाएंगे लास्ट में एक बच रहा तो सिंगल डिजिट का हम बना देंगे। ओके, पूरा पेयर उतारा, जोड़ा उतारा, अब एक ये प्लस हो जाएगा, एक एक दो। अब हमको किनारे संख्या दो चक्को आठ गया लगभग, लेकिन हम इसको देखते हैं क्या चार चौक 16 होगा और चार दुनिया आठ एक नौ हो जाएगा, ज्यादा हो जाएगा, इसका मतलब तीन बार जाएगा। तो तीन का पहाड़ा पड़ेंगे, तीन तिरक्का नौ, तीन दुना छ, कितना बचा नौ तीन बारह, सात में से एक गया, सात में से छ गया एक बचा, आप 65 उतारा, तीन तीन छ। अब हम देखते हैं दो पंची था दो छंग बारह, दो छंग बारह, तो छह बार ले जाएंगे तो हासिल बचेगा, तो आपको पता है छंग 36 छह दिन बारह, बारह तीन पंद्रह हो जाएगा, ज्यादा हो जाएगा, तो हमको पता है कि पांच छह बार जाएगा ये, ठीक है। आप गुणा करके देख लीजिए, छह से देखिए फिर पांच से देखिए, अगर अधिक आ रहा है तो पांच से करिए, ठीक है। पचास 25, पांच छह 30 दो 32, पांच दूनी 10, 13। अब देखिए इससे ये कम है ये ज्यादा है, क्योंकि इसमें उसमें घटा दे तो शेषफल पूर्ण वर्ग बन जाए। तो जीरो यहां छह में से दो गया चार, अगर हम इस संख्या में से 40 को घटा दें तो ये क्या हमारी संख्या बन जाएगी, पूर्ण वर्ग बन जाएगी। क्या बन जाएगी, पूर्ण वर्ग बन जाएगी। इसी तरह हम आपको एक संख्या और एक क्वेश्चन और बता देंगे इस चैप्टर का, अगर कोई डाउट होता है तो आप हमको जरूर बताइए कमेंट्स में, ठीक है। अब अभी